हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाई, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं अली नवाज बात कर रहा हूँ लाड़काना से। जी जी मेरी जान, फरमाई, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये अर्ज करनी थी कि आपने जो एक नुस्खा बताया था ना कि हफ्ते में दो दो दफा देना है, जो सौंफ वगैरह, काली मिर्च, हाँ, वो सफेद जो नमक। हाजमे हाजमे वाला जो बताया था। वगैरह के लिए जी, फिर तो अभी मैंने वो दिया है बकरों को, वो हाँ जी, खाते ही एक बकरा फौरन जो है ना वो मर गया है। हाँ, खाते ही मर गया। मतलब जैसे ही उसको दिया ना पानी में डाल के थोड़ा नरम करके, तो खाते ही जो मतलब तो मतलब गायब हो गया। किस तरह मेरी जान? ये तो हाजमे के लिए है। उसमें देखो क्या डाला था, कोई जहर तो नहीं डाल दिया? सौंफ थी, काली मिर्चें थी, अजवाइन थी। तकरीबन 7 या 8 बजे मतलब चारा दिया था। अभी अभी मतलब तो 10 मिनट हो गए ये दवा दे रहे थे, तो खाते नहीं, ही वो दवा मर गया। देने से तो नहीं मरा ना, कोई और चीज हुई होगी उसको। नहीं, आधा आधा मिनट भी नहीं गुजरा ना डॉक्टर, आधा मेरी मिनट भी नहीं जान गुजरे। मेरी जान, कभी ये हो नहीं सकता कि इसकी वजह से मरा हो। कोई हो सकता, कोई और वजह हुई हो। हाँ, ये नहीं होता कि ये आप हाजमे वाला अगर उसको दें पाउडर, स्टॉमिक पाउडर, और स्टॉमिक पाउडर से फौरन 1 मिनट भी ना लगे तो मर जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनकी वजह से ही, इसकी वजह से? ओ, फिर गलत मेरी जान, आपने कुछ बनाया, गलत होगा। खुदा के लिए इस तरह नहीं, पेट अगर फूल गया है तो तेल सरसों का ले, सरसों का तेल। हाँ, तो वो पिलाएं, एकदम उसका वो खत्म हो जाएगी जो अफारा। नहीं, मेरी जान, ये गलत है। ये सौंफ ना सौंफ से मरती है चीज, ना अजवाइन से मरती है, ना नमक स्याह से मरती है, ना काला जीरा से सफेद जीरा से मरती है। वो कोई और चीज होगी जिसकी वजह से मर गए हैं। हाँ, और ना ही ये इनसे पेट फूलता है, बल्कि पेट अंदर हो जाता है। वही चारे में कोई ऐसी चीज खा गई जिसकी वजह से मर गई। चारा में देख लो, चारे में कहीं, मेरी बात सुन ले, चारे में कहीं चरी चरी समझती है, ज्वार, वो तो नहीं दी आपने? आपने नहीं, ज्यादा से भी हो सकता है। चरी जो है ना, और उसको पानी ना लगा हुआ हो, छोटी छोटी चरी हो, छोटे आप ज्वार लगी हुई है और पानी नहीं लगा हुआ, खुश्क है खेत, तो उसमें एक जहरीला मादा बनता है चरी में। लेकिन उसके अंदर सबसे चारा कौन सा डालते हैं? अच्छा, तो देखें प्लीज इसका इलाज, देखें वजह, देखें कि क्या वजह बनी है उसकी मौत की। ठीक, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नुस्खा जो है, ये बड़े साइंसदानों ने इस पे बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीजें दी हैं। सौंफ है, काली मिर्च है, अजवाइन है, रेवंद चीनी है, मीठा सोडा है, नमक से, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी कोई भी एक में चीज नहीं है जिससे कि जानवर मर जाए। और खुदा का, मर दिया तो आपने खुद मारा है, खुदा के लिए आपने मार दिया है।
20 ग्राम 100 ग्राम बड़ा फर्क होता है, अच्छा 30 ग्राम। और छोटी सी पिन्नी कहा था जो छोटा बाल होता है, नहीं, मैं ये समझा था जो बड़ा जानवर है। वो बड़ा जानवर के लिए 100 ग्राम तो चलो बड़े को दे दिया जो बड़ा बहुत बड़ी भैंस है, लेकिन बकरे बकरी को 20 ग्राम से ज्यादा नहीं। सही सही सही, आपने सही ये कहा। तो मतलब आपने मारा है, आप इसके जिम्मेदार हैं, डॉक्टर आप जिम्मेदार हैं। अच्छा हो गया ये रिकॉर्ड हो रही है बात आपकी, ये रिकॉर्डेड लोगों को जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि कितनी खुराक देनी है। ये नहीं कि आप मेरी, ओ नहीं मेरी जान, बड़ा जानवर, बड़ा जानवर से मुराद मेरी होती है भैंस है गाय है, और इनको छोटा कहते हैं, छोटे जानवर हैं, बकरी बकरा इनको 20 ग्राम से ज्यादा नहीं देना। एक बाल उनको मैं बड़ा इसीलिए क्रिकेट वाला बाल कहता हूं, उसको खिलाओ भैंस को और बकरी वो जो गाय है, लेकिन जो बकरी है या बकरा है इसको हमेशा मैं कहता हूं टेबल टेनिस वाला बाल। सही सही ये बिल्कुल लाड़काना में क्यों कुत्तों से मरे हैं लोग, क्यों मरते हैं? इसीलिए कि आप लोग सही केयर नहीं कर रहे, सही इलाज करें, सही चीजें हो, टाइम पे आप सही मकदार आप देंगे तो जानवर बच जाएगा। आप इंसान ही देख लें, इंसान अगर आपको अगर पैनाडोल 2 गोलियां दी जाती हैं या 1 गोली से बुखार उतरता है, भैंस को 10 गोलियां या 8 8 गोलियां दी जाती हैं, अगर वो 10 गोलियां आप खा लेंगे तो मरना ही है ना आपने। तो मेरी जान, ये ओवर डोज करके आपने मार दिया। सही है, सही सही सही, ठीक है। मतलब ये जो हो गया है तो अभी वो सब तो बातें कर देंगे ना उनको, जितने भी उनको डॉक्टर थे। जिनको अफारा हो गया है, जिनको ज्यादा आपने दे चुके हैं, उनको प्लीज खुदा के लिए अभी भी उनमें दूध में थोड़ा घी डालें, या थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा घी डाल के ना, देसी घी, और वो उनको पिलाएं फौरन, ताकि उनके अंदर जो जहरीला ज्यादा हो गया उनका वो थोड़ी बेहतर हो, और उनको डायरिया टाइप हो जाएगा, निकल जाएगा और उसके उनकी जान बच जाएगी। अच्छा दूध कितना? वो तो वैसे ही अगर उनको पहले अफारा हुआ, अफारे वाला कर लेना इलाज। अच्छा दूध वगैरह तो नहीं देना ना? वो मैं अगर अगर किसी का पेट नहीं फूला हुआ और वैसे है तो दूध में आप अच्छा, सही सही वो सही सही, उसका जहर जहर का असर या एट्रोपीन की गोलियां या टीका मिलता है एट्रोपीन का, कोई जहरीली चीज हो या ज्यादा इस तरह का हो जाए तो एट्रोपीन की इंजेक्शन लगते हैं या एट्रोपीन की गोली देते हैं। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। ये अल खान, खान अली मोहम्मद, क्या नाम बताया अपना? अली नवाज, अली नवाज। बहुत अफसोस, यकीन करें कसम खा के मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपकी जानवर, आपका ये आपका जानवर नहीं जाया हुआ। मेरा मुझे अफसोस है कि आप गलत समझ गए मेरी बात को, काश के आप मेरी बात पूरी सुन लें। मैं हमेशा कहता हूं, क्या उस वक्त भी नहीं कहा था कि छोटा बाल, छोटा जो पिंग पांग वाला या टेबल टेनिस वाले बाल के बराबर इनको देना है, कहता हूं या नहीं? बिल्कुल कहते हैं। हाँ वो उस दिन जो कॉल आई थी ना, वो भी बकरों वालों की कॉल आई थी ना, तो इस वजह से मैंने ये समझा नहीं, नहीं मेरी जान, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह को था। जो अल्लाह की रजा, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करना, ठीक है? अभी फौरन इसका इनको जो है फारे वाला निकाल वो दे दें, थोड़ा थोड़ा तेल दें तेल के अंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा तारपीन का तेल भी नहीं डालना, 1 2 चम्मच। आपने बताया मतलब हाँ, दस 10 सीसी दस का तेल, 10 सीसी तारबीन का तेल, हाँ और जो 20 ग्राम वो हिंग बताई थी आपने। हाँ हिंग भले वो भी 10 ग्राम ही डाल लें, 15 ग्राम डाल लें, 25 ग्राम डाल लें।
अच्छा, मैंने वो 20 ग्राम बना लिए बस। ठीक है ठीक है, वो बिस्मिल्लाह करके दे दें उसको, अभी दें और ठीक हो जाएगा। मैं दुआ भी करूंगा अल्लाह ताला। चल ठीक है, दुआ हाँ बिल्कुल बस। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन यानी इस्लाम में यानी अपनी तरफ से कोई नई बात इजाद की जो इसमें से नहीं, तो वो मर्दूद है। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें, फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।